गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा गेट पर तैनात रविवार की देर शाम पीएससी के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें, रविवार को मंदिर सुरक्षा में गेट पर तैनात पीएससी के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने देर शाम धारदार हथियार से हमला कर दिया तथा ताबड़तोड़ प्रहार कर उसने दोनों जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 10 मिनट तक वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से जूझता रहा। लोगों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया, जिसकी पहचान मुर्तजा अब्बासी पुत्र मुनीर अहमद अब्बासी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस दौरान वह भी घायल हो गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा घायल दोनों जवानों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसकी पहचान कांस्टेबल गोपाल गौड़ और कांस्टेबल अनिल पासवान के रूप में हुई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं। वही कांस्टेबल गोपाल का कहना है कि उसने हमलावर को काबू करने की कोशिश की तो उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे मेरे घुटने के ऊपर गहरा घाव हो गया और मैं संभल पाता इससे पहले हमलावर ने उसकी पीठ और हाथ पर भी हमला कर दिया, जिस पर पीएससी जवान अनिल पासवान ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उस पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे अनिल पासवान भी घायल हो गया तथा तभी हमलावर वहां से हथियार लिए मंदिर गेट के अंदर घुस गया। इसी बीच थोड़ी दूरी पर तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अनुराग ने उसे ललकार हमलावर ने अनुराग पर भी हमला कर दिया। तभी एलआईयू जवान अनिल गुप्ता ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश की तो वह उससे भी जूझ गया। इसी बीच मौका पाकर अनुराग ने असलाह अपने साथी को थमा दिया और थोड़ी दूरी पर रखे बांस के टुकड़े को उठाकर हमलावर पर प्रहार कर दिया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने भी हमलावर को घेर लिया, जिससे लोगों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने घटना की जानकारी ली और घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं एसएसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर घायल हमलावर को जिला अस्पताल भिजवाया, जिस पर हमलावर ने पुलिस की पूछताछ की तो उसने अपना नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी पुत्र मनीर अहमद निवासी सिविल लाइंस गोरखपुर बताया, जिसके संबंध में एसएसपी ने बताया कि हमलावर के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा घायल पुलिस कर्मियों व हमलावर का अस्पताल में इलाज चल रहा है तथा इस घटना में अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। टीम को अन्य जनपदों में भी भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा,
बिहार भारत की निःशुल्क ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। घर आएगा अभी, घर आएगा अभी। हमको पकड़ रहे थे उनके उनके मतलब हाथ वाला फूल लगाया हम हाथ वाला। आज शाम करीब 7 बजे मंदिर के जो द्वार है मेन गेट पे खुलता है वहाँ पर हमारे 2 पीएसी के जवान ड्यूटी पे थे, उनके ऊपर अचानक एक व्यक्ति हमला कर देता है। हाथ में एक लंबा सा हथियार था उसके पास, धारदार हथियार, जिससे वो हमला करता है, जिससे एक सिपाही तो तुरंत इंजर्ड हो जाता है। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। बाकी जब उपस्थित पुलिस कर्मी है उसको जब ये बात पता लगती है और देखता है उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो फिर अपने हथियार को लेके गेट के अंदर भागता है और पास में ही पीएसी का पोस्ट है वहाँ जाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पे कुछ जो उपस्थित जवान है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लगातार हमला करता रहता है। फिर एक जवान ने हिम्मत दिखा के अनिल नाम का अनुराग नाम का हमारा पीएसी कांस्टेबल है, उसने हिम्मत दिखा के वो उसको पकड़ने की कोशिश, पास में ही धैर्य रखा पुलिस ने, वहाँ पर काफ़ी धैर्य रखा जबकि वो हमला लगातार एक धारदार सब्जेक्ट से रखा था। घर रखते हुए उन्होंने फिर एक पास का बांस प्रयोग करके उसको ओवरपावर करता है, फिर पब्लिक भी आ जाती है और उसको ओवरपावर कर लेती है। जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है ये गोरखपुर का ही रहने वाला है, इसका नाम अहमद मुर्तजा है और इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान जब ये हमला कर रहा था तो धार्मिक नारे भी दे रहा था, तो इस पूरे प्रकरण में हम किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खास करके हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। 2 हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, गोपाल गौड़ और अनिल पासवान, दोनों को चूंकि बगल में ही मंदिर का अस्पताल है उसको तत्काल वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उनका फर्स्ट एड हो जाता है। वहाँ डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया, काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था, उसको उन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट दी जिससे वो
स्टेबल हुए और स्टेबल होने के बाद उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है जहां उनके अग्रिम इलाज चल रही है। जो ये व्यक्ति है गिरफ्तारी के दौरान इसको भी इंजरी आ गई है, इसका वर्तमान में इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में और हमारी टीम जैसे ही इसे इलाज पूरा होता है फिर इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाएगी और घटना क्यों हुई इस बारे में गहराई से छानबीन की जा सकती है की जाएगी। बहरहाल इस पूरे घटना एक गंभीर घटना है और ये गोरखनाथ पीठ जो है आप सभी लोग जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आवागमन होता रहता है लगातार, उसके प्रदेश में इस घटना की छानबीन गहराई से करने की आवश्यकता है और हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। गोरखनाथ में एक व्यक्ति ने कल हमला करने का प्रयास किया जिसे कि पुलिस कर्मियों ने वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सजगता से उसे निष्क्रिय किया। इसी दौरान जो हमलावर है वो भी घायल हुआ और दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें कि 307 और 7CL एक्ट भी लगाए गए हैं और इसका रिमांड लिया जाएगा। इससे जो पूछताछ में अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसकी पुष्टि के लिए अलग अलग पुलिस टीमें लगाई गई हैं, कुल 5 पुलिस टीमें इसमें अभी लगी हैं और गैर जनपद जो है वहाँ पर भी पुलिस टीमें भेजी जा रही है ताकि इसने जो तथ्य बताए हैं उनको हम पुष्टि कर सकें। इससे बरामद वस्तुएं, इसके परिजन, इसके रिश्तेदार, इसका बैकग्राउंड सभी चेक किया जा रहा है, जो आसपास के CCTV कैमरा है उनको भी देखा जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।